इसीलिए आ जाओ सर आ जाओ, बस स्टार्ट हो ही रहा था। हाँ तो भाई ये रहा, ये लो सर। नहीं 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 हम दोनों चैट ऑन करें, मैंने कहा था कि मैं जब सलीम सर आएंगे तभी चैट ऑन करूंगा। अच्छा इनके आऊंगा वो बंद हो गया सर। हाँ वो बंद कर रखा तभी पढ़ा पाते हैं, पढ़ा पाते हैं। अभी चैट ऑन हो गया है, दूसरा मिल जाएगा क्या? दूसरा दूसरा वाला माइक दे दो। यस यस तो चैट ऑन हो गई है। हाँ तो यार सर दिल्ली आए हुए थे, मैंने कहा कि यार एक बार मिल भी लेते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है बहुत टाइम हो गया। और अभी मैं बच्चों को यही बता रहा था कि हाँ। सर का रूटीन अलग है, सुबह पढ़ाते हैं, दोपहर में सोते हैं, फिर रात को पढ़ाते हैं। मुझे क्या दोपहर में 2 घंटा मतलब पहले से ही बना हुआ है रूटीन। सर का रूटीन ऐसा ही 2 घंटा मुझे दोपहर में सोना पड़ता है तभी मैं शाम की क्लास जो अच्छे से ले पाता हूँ, वरना फिर वो होती है गलती होती है कुछ ना कुछ। हाँ ये मैंने इनको बताया कि भाई मैं भी 5-6 घंटे से ज्यादा पढ़ाने के बाद कुछ भी गलत पढ़ाने लग जाता हूँ। तो यार सर आए हुए थे और सर के साथ अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे जो मैंने आपको बताया कि दिसंबर में फैजल सर का काम खत्म हो जाएगा। हाँ नवंबर में हो जाएगा शायद, इनको कितना अच्छा टाइम मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और सर इनको थोड़ा सा गाइड करो कि रिवीजन। सर आप तो गाइड कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे ना यार, डीट है एक नंबर बेटा। कोई भी 1% भी, एक तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, 0.0001% भी डाउट मत रखना, जो सर बोलते चले जाएं ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाना। एचसीबी का अभी टाइम है हमारे पास, एचसीबी का टाइम आप, क्योंकि सर अब जेईई मेंस का एग्जामिनेशन आने वाला है, ठीक है अभी सिलेबस भी होना है, सिलेबस भी होना है, तो किसी के पास अगर टाइम बचे तो एचसीबी के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, दो दो तीन तीन लाइन के, वो आप ट्राई कर लेना। उनके जो लास्ट के क्वेश्चन है वहां मत जाना, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन में टाइम टेकिंग हो जाएगा, उतना समय खा जाएगा अगर समय हो किसी के पास। लेकिन मैं बोलूंगा कि जेईई मेंस के जो पीवाईक्यू है उन पे ज्यादा स्टिक रहे। मैं भी अभी यही कह रहा था कि हमारे नोट्स, हम क्लास में भी कई कंसेप्ट बताते बिल्कुल, हैं और सिर्फ पीवाईक्यू, अभी फर्स्ट टाइम में यही चीज आप लोग कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल एचसीबी के साथ मुझे नहीं लगता कि समय बचेगा बच्चे। आपको भी ये लगता है ना कि ड्रॉपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है और 12वीं का जो बच्चा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे, दोनों में डिफरेंस ये है कि ड्रॉपर का सिलेबस आएगा सेकंड में, सेकंड मैंने ऐसा, मेरा ये हमेशा का ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि देखो वजह ही है ना कि जनवरी के पेपर से पहले तक तो हम सब लोग सिलेबस की फाइट मारेंगे। यस ठीक है, कम से कम 30% वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन देना सीखोगे। अभी तुमने पढ़ना सीख लिया, फॉर्मूला याद करना सीख लिया, क्वेश्चन सॉल्व करने सीख लिए, होता है ना एग्जामिनेशन में गए पता चलो साला 25 में से मुझे तो 20 आते थे और मैं तो 10 कर नहीं पाया, कर नहीं पाया। तो इस चीज में हम लोग उतनी मेहनत, हम लोग उतनी मदद नहीं कर पाएंगे, वो मदद तुझे खुद की करनी पड़ेगी जब तू रोजाना कम से कम 1 महीने तक रोजाना हर अल्टरनेट दे, तू टेस्ट दे रहा है। मेरे हम दोनों के अल्फाज तक सेम है, इसका मतलब हम दोनों सही बोल रहे हैं, पैटर्न ही है, पैटर्न ही है ये। मैंने बच्चों को ये बात बोली कि सर इस बार का हमारे ड्रॉपर के पास अच्छी बात यह है कि आपका सिलेबस हम लोग खत्म कर रहे हैं, आपका रिवीजन टाइम है, रिवीजन टाइम है। बहुत कम ही ड्रॉपर्स होते हैं जो रिवाइज करके पहुंच रहे हैं जेईई मेंस 1 में, नहीं तो बस सिलेबस खत्म हुआ पहुंच रहे हैं, तो आप अभी से रिवाइज करते चले जाइएगा तो आप बहुत सारे ड्रॉपर्स से एटलीस्ट आप आगे रहेंगे। बिल्कुल, और मैं तो बोलूंगा यार देख कैसा भी मोमेंट हो, चाहे आपका सिलेबस 25 दिसंबर को पूरा हो रहा हो, चाहे 5 जनवरी को पूरा हो रहा हो, या किसी दूसरे फेज में जनवरी के बाद पूरा हो रहा हो, आपका काम तो एक होना चाहिए कि सर हम अपना बेस्ट करेंगे, खत्म। यस यस यही चाहिए। और सर आपसे एक और चीज भी डिस्कस हो रहा था कि हम लोगों ने कोई चीज भगा के नहीं पढ़ाई, यही तो वजह है, चाहे आपको जेईई मेंस 1 के बाद दोबारा ये ना हो कि सर आप दोबारा से फिर दोबारा पढ़ाओ। सर मैं आपके भी मतलब लेक्चर देखा, भले ही आपको, आप भले ही कितने बीमार थे उस टाइम, आपको भी वायरल फीवर हुआ था और आप 3.5 घंटे 3 घंटे की क्लास ली, आप चाहते तो वो 1.5 घंटे में खत्म कर सकते थे। यस लेकिन आपके दिमाग में बात थी भाई मुझे पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाना है और मुझे भगा भगा के नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना, सेम चीज मेरे दिमाग में थी। तो आपके लिए ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि पढ़ो एक बार पढ़ो ढंग से, हाँ जेईई एडवांस तक आपके नोट्स आपके साथ रहेंगे। यस ठीक है, तो ये कंटेंट कॉपी में जाना बहुत जरूरी है, नहीं जाएगा तो तुम्हें लगेगा साला यहाँ से पढ़ू कहाँ से पढ़ू, फिर दोबारा से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये है जेईई मेंस 1 में ना झटका तो लगेगा सब, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो खराब होंगे ही होंगे, खराब होंगे। बच्चे को पता क्या लगता है, लगता है मैंने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी, बिल्कुल सही, फिर वो लेक्चर पे बात है कि यार जबकि उसको करना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हां प्रैक्टिस है बिल्कुल। और सर शॉर्ट नोट्स के बारे में भी बच्चों को बताओ कि शॉर्ट नोट्स में मेरा पर्सनल व्यू है, देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अब सर फॉर्मूले बहुत आएंगे है ना, छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत आएंगे, अब आप क्या है कि रोजाना 2 घंटा 3 घंटा इनके साथ वक्त बिता रहे हो, तो सबसे बेस्ट टाइम जो है ना इस वक्त वो शॉर्ट नोट्स का अभी है, कि आप जैसे जैसे चैप्टर समाप्त हो जाए उसके बाद खुद ही शॉर्ट नोट बनाओ अपने हाथों से। मैंने शिवेंदु सर का देखा था, सर उन्होंने पता बच्चों को क्या बोला कि आप कभी भी लेक्चर कॉपी का जो आपका पन्ना है ना इतना पिच इतना के नीचे लिखो, और आप जब एक बार क्लास खत्म होती है ना तो आपको पता है आज क्या इंपॉर्टेंट है वो ऊपर लिख लो, ऊपर लिख लो ऐसे कर सकते हो, और फिर आपके शॉर्ट नोट्स ऊपर जा रहे हैं, हर पन्ने का क्रक्स ऊपर जा रहा है, तो आप रिवाइज मारोगे तो आप ऊपर ऊपर से फॉर्मूले देखते हो निकल जाओ, या स्केच स्केच पेन का यूज कर लेते हैं बच्चे, लाल पेन का यूज कर लिया, गोला बना लिया भाई। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंटेड आपने नोट्स ले लिए। सर देखो वो कभी मेहनत, वो आपकी मेहनत नहीं है तो आपको फायदा भी नहीं देगी, वो आपको प्रेशराइज करेगी,
आपको लगेगा भाई ये तो और पढ़ना है, लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर आपने टेस्ट दिया, आपके स्कोर अच्छे हैं, हाँ, आपके अंदर ये थी कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, आपने नोट्स नहीं बनाए, हाँ, फिर अगर आप कर रहे हो तो अलग बात है, तो अलग बात, हाँ, क्योंकि आपने आपने कंटेंट पे कमी नहीं छोड़ी, आपको बस लिखा हुआ चाहिए, लिखा तो आप वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, अगर आपने कंटेंट ही नहीं पढ़ा और आप दूसरे का लिखा हुआ ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर मैग्नेटिज्म के फॉर्मुले होते हैं ना, अलग अलग सर अपने अलग अलग के हिसाब से बताते हैं, मैंने कुछ और फॉर्मूला हिसाब से बता दिया, आपने कुछ और बता दिया, अब सब मेरे बैच का बच्चा है, उसने मैंने बताया भाई इसको ऐसा फॉर्मूला याद रख ले, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इसको के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, हां, अब उससे उसे मैंने 20 सवाल की प्रैक्टिस करा दी अच्छी खासी, अब उसने किसी दूसरे सर के नोट देख लिए जिसमें उन्होंने कहा नहीं मैं तो वायर को आर्क मान के सॉल्व कराऊंगा, अब उन्होंने दूसरा फॉर्मूला लिख दिया, तो बच्चे का तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी होगा, आंसर आना चाहिए, अगर आपको आपको एक चीज पता लग गई और आपने उस पर प्रैक्टिस करी आपके जवाब आ रहे हैं, मल्टीपल चीजों पर मत जाइए, ठीक है, ये हम लास्ट में कराया वही जाइए जो आपने सर ने कराया, करने के ना बहुत तरीके होते बहुत तरीके होते हमें एक जैसे मैं आज सोच भी रहा था कि यार देखो लेक्चर को पढ़ाने के लिए लिमिट कोई नहीं है, आप मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक दोगे मैं साल भर पढ़ा कुछ करता चला जाऊंगा, 6 महीने तो हमारा सेमेस्टर में आया था सर, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा कॉलेज में, कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही आता है और डेल क्रॉस क्रॉस जरा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसी ब्रांच से थर्ड ईयर में भी आता था, चलिए अच्छा ये वाला पार्ट इसी में आता है, एक लिमिटेड आपको ना हमें भी एक लिमिटेड टाइम से नीचे चैप्टर नहीं खत्म करना, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगा चैप्टर, उसका बियॉन्ड लिमिट कुछ नहीं होती, वैसे आपको एक लिमिटेड टाइम हर चैप्टर पे देना ही देना है। मैथ्स के लिए कुछ बताइए सर, आपकी मैथ्स कैसी थी? मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी सर, अच्छी थी, सबसे पहली बात तो हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सचिन सर, हाँ आशीष सर सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैंने बताया कि मेरे साथ प्रॉब्लम मैच की ये थी कि मेरे को ना जैसे होता है ना सर फिजिक्स में ना चीजें मेरे को फिजिक्स का गंदे से गंदा फॉर्मूला मेरे दिमाग में चिपक जाता है, पता नहीं कैसे चिपक जाता है, मैच की सीरीज मैच के फॉर्मूले मैं जब तक लिखूंगा नहीं ना तब तक मेरे को आता नहीं, तो कई बार कुछ चीजें होती है, एक होती है कि आप फोटोग्राफिक चीजों को देख के समझ जाते हैं, कई बार आप मेहनत नहीं कर रहे बस देखे जा रहे तब भी याद हो, और कुछ चीजों में आपको कलम घिसनी पड़ती है। जो आंसर सर आपने दे दिया, लेकिन अगर मैं अपना स्टूडेंट लाइफ अगर आपसे शेयर करूं तो मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग होने की वजह थी 6-7 तो था ही, आरडी शर्मा वो मोटी वाली बोर्ड वाली, अच्छा तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है आरडी शर्मा लगा रहे हो, मैंने कहा हाँ, मैंने क्या अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है यार, मैंने उसके इतने क्वेश्चन लगाए थे कि सवाल देखते मुझे विजुलाइज हो जाता था भाई इसको ऐसे करना है, तो मैंने तो एक बुक का नाम दिया, आप कोई से भी किताब, मैं आपसे ये बोलूंगा अभी के लिए कि अगर किसी की मैथ जरूरत से ज्यादा खराब है किसी की, तो वो कसम खा ले कि कुछ भी हो जाए डेली कम से कम 30 सवाल रोज लगाने ही लगाने, यही बात है, ठीक है, बात वही है, कलम नहीं चलाओगे ना तुम बस देख रहे हो तुम्हें, और ये भी होता है सर कि आपका अगर एक सब्जेक्ट का इंक्लिनेशन आ गया ना, जैसे मान लो केमिस्ट्री में आ गया, फिजिक्स में आ गया, आप मैथ्स में एक सवाल लगा रहे हो आपको 15 मिनट लग गए, पेशेंस ही नहीं है, आप कहते हो यार मैं 1 घंटे में 4 सवाल लगाऊंगा फिजिक्स के कर लेता हूँ उसका होमवर्क, बार बार हर दिन आप यही कर रहे हो तो मैथ्स खराब हो ही जाती है, बस तुम कसम खा लो जिनकी जिनकी मैथमेटिक्स खराब है, कोई सी भी किताब हो जो सर होमवर्क दे रहे हैं 1.5 घंटा आप अलग रखेंगे, 1.5 घंटा कम सोलेंगे, कम खेलेंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, 1.5 घंटा रिजर्व है हमारे अलग है, इनको कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे, 1.5 घंटे में रोज 30 सवाल, पेशेंस रखना पड़ेगा, देख सिंपल सा डाटा है, 1 दिन में 30 सवाल, तो 1 महीने में 900 हो गए, क्या क्या गजब की मैथ्स हो जाएगी सर, 900 सवाल बच्चे ने लगा लिया 2 महीने में, हाँ नहीं आराम से आराम से, वो कहता बाबूराव वाला 1800 मतलब यही एडवांस तक तू कम से कम 5000 सवाल लगा चुका होगा भाई, ठीक है, तो इसलिए वो ऐसे मैथ्स इंप्रूव होगी, और देखो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट की ना डिमांड अलग होती है, ठीक है, और मैं प्रॉब्लम पता है जिनको मैच किया है, मैं अपने से थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ, पहले बेसिक ना सर मेरे को ना रेशियोज लेना, इंटरेस्ट निकालना है ना, वहां से दिक्कत थी मेरे को, टेबल्स अभी भी याद नहीं, अभी भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे गुरु जी ने हमको 30 तक की टेबल याद करा दी, हाँ तो मेरे पापा फिफ्थ क्लास से पहले मेरे को पता है मेरे को 5 तक आती थी, फिर मैं उल्टा करता था, 4×9×4 आया तो मैं 4×9 करता था, तो वो चीज अभी भी मेरी खराब है, ठीक है, इसीलिए मैं मैथ्स में थोड़ा सा वीक अभी भी हूं, फिजिक्स में जरूरत भी नहीं पड़ती है, इतनी ज्यादा नहीं पड़ती, जितना है उतना मेरे को आता है, ठीक है, तो कोशिश बस यही करिए बेटा कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है ना, मैंने इनको ये भी बात बोली, आप एग्जाम से पहले अपनी वीकनेस पर काम नहीं करते, स्ट्रेंथ पर काम करते हो, एग्जैक्टली, आप रिवाइज करते हो, आप टेस्ट देते हो और देखते हो कि क्या कहां आपके मार्क्स नहीं कट रहे, वो इंप्रूव करना है, बिल्कुल, ये टाइम होता है जब आप वीकनेस पे काम करते हो, एग्जैक्टली, अब अगर आपको पता लग रहा है कि आपका एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक वीक हो रहा है तो अभी लगाओगे, अभी कर, बाद में नहीं हो पाता, फिर वो बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, बिल्कुल सही बात बोली, यस, और बताते भाई और क्या, और सारी चीज हमसे पूछ लोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मत कुछ मत करना, उनको सब चाहिए बना बनाया, ऑर्गेनिक भी आप बता दो सर, है ना, देखो यार केमिस्ट्री में तो मैं सीधे कहता हूँ केमिस्ट्री के बिना आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते, केमिस्ट्री जितना भरोगे रफ कॉपी उतना सीखोगे, देखोगे जितना उतना गड़बड़ होगा, कहते सर इसका एसिडिक ऑर्डर, हाँ इसमें तो ऐसा हो जाएगा प्लस माइनस, अरे यार हो जाएगा कुछ नहीं भाई, तू थोड़ा एक बार रफ कॉपी में बना के बना लेना, फिर तक कितनी फील आएगी, ठीक है, और इसमें तो सर ये 6 मेंबर रिंग बन गई ज्यादा स्टेबल है, बोल के नहीं बना उसको, ठीक है, इसको बना, तो
डायरेक्ट उससे तेरा दिमाग भी चलेगा, पेन भी चलेगा, कलम भी चलेगा और तेरी एफिशिएंसी भी बनेगी। और जितने भी मैच के लिए परेशान हो रहे हैं ना, लीचड़ मत बनो, सच बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन अगर टफ आ रहे हैं तो सभी के लिए टफ आ रहे हैं, एटलीस्ट आप इजी और मीडियम तो टारगेट करो ना यार। बिल्कुल सर, कल ही सर कुछ बोल रहे थे, सचिन सर मुझसे कल ही कह रहे थे कि मैथ्स में जिस एक बच्चे की 37 मार्क्स आए थे 100 में से और उसकी मैथ्स में परसेंटाइल थी 99.5। वही मैं बच्चों ये पता है प्रॉब्लम ये, इनको ये लगता है ना कि फिजिक्स में मेरे 70 आ रहे हैं तो मैथ्स में भी आ जाए। ना ना, मैथ्स में 40 भी लिया हो गया काम तेरा। हां, क्योंकि वो सभी के लिए टफ आ रही है। और उसमें क्या होता है ना कि ठीक है, इजी वाले क्वेश्चन हो सकते हैं दो ही हो, मीडियम वाले तीन ही हो, बाकी सारे टफ हो, कोई दिक्कत नहीं। वो पांच सवाल तो करके आओ, करके आओ। सो सर ने कितनी अच्छी बात बोली, सर ने बोला कि सर 37 मार्क्स वाले पे 99.5 परसेंटाइल थी मैथ्स में। मैथ्स में कुछ चैप्टर तो ऐसे है ना जिससे शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स आते हैं और आसान। सर देखो वेक्टर्स वाला पार्ट मेरे को जो लगता था कैलकुलस है और जो हमारा वेक्टर 3D है कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कर सकते हो भाई। 10 सवाल में तूने कर लिया, हो गया काम तेरा। अब प्रॉब्लम ये कि आप लीचड़पंती में रहते हो कि आपको चाहिए कि सारे के सारे सवाल शॉर्टकट मिल जाए होगा बस। सर क्वेश्चन देखिए घिनाती है बेटा, IIT में जब तू अगर किसी कॉलेज में जाएगा ना तो प्रोफेसर भी तेरे को देख के घिन खाएगा, यार ये क्या क्वेश्चन भी नहीं लगा पा रहा, ठीक है। तो घिन नहीं खाना यार सब्जेक्ट से, आप पहले बात तो ना थोड़ा सा प्यार करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो तो अपने आप चीजें आ जाएंगी। बैकलॉग ये तो आप ही बोलो सर। यार यार देखो मैं सच बताऊं, इस तैयारी को 2 वर्ष की योजना बना के जो बच्चा पढ़ता है वो लाइफ में सुखी रहता है। अगर आपने 5 वर्षीय योजना बना दी है, ठीक है, आराम आराम से पढ़ूंगा। देखो बैकलॉग आपका होगा, पहली अब वही चीज है, या तो आप क्रिएट ही ना होने, तो जब आपको पता है 11th-12th में आपसे कमियां रही है और आप अपने आपको अच्छे से जानते हो कि आपसे हो जाती है कमियां, ठीक है, तो आप पहले तो क्रिएट ही मत होने दो यार, ठीक है। अगर आपने क्रिएट होने दी है और हो गई है तो आप उसको फाइट करके खत्म करो भाई। मैं तो ये बोलूंगा अपना, अब हम 24 घंटे का 27 घंटा थोड़ा ना बना सकते। एक्जेक्टली करना आपको उसी में पड़ेगा, आपको ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस तो उतना ही है ना, उसको अपन कर नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एक आइडिया है मेरे पास, अगर चाहो तो, कि अगर आपके पास समय ना हो तो आप PDF से पढ़ लो सर, नहीं सबसे पहले। सर देखो मुझे ऐसा लग रहा है मगर उसके लिए थोड़ा सा पहले पढ़ा होना जरूरी है। अगर बिल्कुल ब्लैंक हो तो फिर PDF से, फिर वो बच्चा बोलेगा सर ने बोला मैंने PDF पढ़ ली, क्वेश्चन नहीं बने। अब ये एक्सपेक्टेशन क्योंकि हमसे रख रहा है, रखने को तो खुद से रखनी चाहिए। बिल्कुल, अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज कोई भी चैप्टर है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से ले लो, 12th तो तू पास होगा, ठीक ठाक इसने करा होगा 12th में। ये सर इनमें कुछ ऐसे भी है जिनको ठीक आया है भाई, तू नहीं हो पाएगा, चला जी है ना। अच्छा चलो सर, कोई बच्चा ऐसा है जो सिंसियर है, पढ़ता आया है, किसी बीमारी के कारण उसका कोई लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, उसको मैं बोलूंगा कि जो है हो सके तो भाई लेक्चर को देख ही ले, क्योंकि 2x में देख ले सर, आपको 2x में देखा जा सकता है, बिल्कुल हम सबको देखा जा सकता है 2x में, मगर देख ले, क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर इधर उधर की बातें जो सर करते हैं हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, चैप्टर से रिलेटेड भाई अंडरस्टैंडिंग तो उसी से क्लियर होगी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अभी टाइम है, अगर बैकलॉग है तो सोच, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट जा रहा है तो कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट तक तो कर ही लेना भाई अच्छे से। इनको तो समझा समझा DPP का बैकलॉग, अरे नहीं DPP का बैकलॉग, अभी आपका JEE मेंस से पहले हम क्या कह रहे हैं, पूरा भाई वो बच्चा बहुत आगे होगा जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उसने एक बार रिवाइज कर लिया। हमने सबसे पहले क्या टास्क रखा था, सबसे पहले जब बैच स्टार्ट किया था, इन बच्चों को सांस नहीं लेने देंगे। तुम्हारे पास अगर इतना टाइम होगा ना बेटा तो हम तुम्हें इतना होमवर्क देंगे ताकि तुम इतना भी कर पाओ, तो दिस इज मच मच ग्रेटर देन दिस, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए। तब इसके लिए इस पे मत रोना कि सर ये नहीं हुआ, सर मैं कितना बड़ा टास्क उठा रहा हूं, सोचो HCB करानी है, मैंने ऑलमोस्ट करा ही रहे हम लोग, ठीक, JEE एडवांस के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ऑलमोस्ट, बिल्कुल JEE मेंस करा रहे हैं, PYQ है, DPP भी करा रहे हैं, मॉड्यूल का भी होगा, भाई कितना कर पाओगे तुम, ये तो बहुत है ये। अब इस पे कई बच्चे कहेंगे कि सर ये ओवरबर्डन है, हम उससे स्ट्रेस होता है, लेकिन बताए एक बात ये है, जब तक तुम अपने आप को घिसोगे नहीं ना तब तक बनोगे नहीं अपना, तुम हमेशा ना अपने पोटेंशियल को रीच करने की कोशिश तो करो एटलीस्ट, कुछ स्ट्रेस को झेलने की। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको करना ही करना है, देखो हम लोग भी उस प्रोसेस से निकले, हम लोग उधर है कैमरा, मैं बार बार इधर देख रहा हूं, मैं कहा आप किसको देख के बात कर रहे हो, तो हम लोग भी उस प्रोसेस से निकले यार, हम लोगों ने भी जब तैयारी करी थी हमारा भी सिलेबस छूटता था, मैंने सर ऑप्टिक्स छोड़ के गया, थर्मो छोड़ के गया, मैं बड़े बड़े चैप्टर छोड़ के गया था JEE एडवांस में, अच्छा फिर भी सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल जो पढ़ा अच्छे से पढ़ लिया, जो करो अच्छे से करो, बिल्कुल कि मेरे को नेगेटिव नहीं खा के आने, हाँ। हो गया सिलेक्शन अच्छा नहीं हो लेकिन ठीक है, वहां से भी निकाला जा सकता है, कहने का मतलब ये, तो आप इतना लोड मत लो कि सर DPP छूट गई, अब तुम्हारे 5 क्वेश्चन इसके छूट जाएंगे, तुम उसको भी लिख के बैठे हो, इतना स्ट्रेस पॉइंट मत। मान लो एक चैप्टर में 5-10 DPP दी और तूने 10 में से 10 कर ली, 8 कर ली, साला हम 10 के 20 दे देंगे, कर लोगे पूरी, और फिर उसमें तुम लोगे कि मैं तो क्वेश्चन भूल रहा हूं, मैं नहीं कर पाओगे, इसलिए अपना बेस्ट करो जितना कर पाते हो, है ना। आपके दिल से ये जवाब नहीं आना चाहिए कि मैंने मक्करी करी। आप PYQ का बैकलॉग कंसीडर बिल्कुल कर सकते हो, लेक्चर्स का कर सकते हो, हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आप DPPs को भी काउंट करिए और हमारे जो होमवर्क मिलते थे मॉड्यूल से या फिर जो भी आपके क्वेश्चन बैंक मिलते थे उसको भी आप अपना बैकलॉग तब कंसीडर करिए, अभी आपके लिए वो बैकलॉग नहीं है, अभी आपके लिए वो बस एक कंटेंट आपके पास जा रहा है जिसको आपको करना है अपने JEE मेंस 2 से पहले, सीधी बात आपके लिए ये चीज समझ। सही बात है,
देखो यार टेस्ट स्कोर कुछ भी नहीं होता, पेपर का लेवल अप एंड डाउन होता रहता है ठीक है। और अभी तुम इस जोन में आए नहीं हो, पहले तुम सिलेबस पूरा हो जाने दो, फिर जब तुम टेस्ट, अभी क्या है 15 दिन में एक टेस्ट देते हैं, उसमें भी शॉर्ट टेस्ट होते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हारी टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी बेटा सिलेबस के बाद, जब सिलेबस खत्म हो एटीएस भी स्टार्ट हो गया, मैं कह रहा हूं उसको सीरियसली लो, उसी के बहाने ना एटली तुम रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर पाओगे और उसमें जो कमियां हैं उनको नोट डाउन करो। लेकिन जब तुम अभी टेस्ट की, मैं तो बोलूंगा टेंशन ही मत लो, सारा फोकस इस बात पर करो सर जो यहां पर पढ़ा रहे हैं या मैं जो पढ़ा रहा हूं, हम सब जो पढ़ा रहे हैं, क्यों जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा ना फिर तेरा खुला मैदान है, फिर तो हर दूसरे दिन टेस्ट की प्रैक्टिस करेगा 3-3 घंटा, तुझे अंदर अपने आप इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा, अच्छे सवाल गलत हो, फिर तेरे को ना शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगी, तो कहते हैं ना ये आंसर नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, सब सीख जाएगा तू उसके बाद। और जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट का पूछ रहे हैं ना, मैं पहले बता देता हूं, टाइम मैनेजमेंट का वही पूछता है जो सीरियस नहीं है, जिसके अंदर होता है ना, जिन उनके भाई की मेरे को रैंक निकालने, वो कभी ये नहीं बोलेगा सर मेरे को समय की कमी पड़ रही है, उसका सारा समय सिलेक्शन के लिए ही है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट का पूछ भी रहे हो ना कि सर मैं टाइम कैसे मैनेज करूं मेरा हो नहीं पा रहा है, तो एक्चुअली आप दिल से नहीं चाहते सिलेक्शन को, रियलिटी तो यही है। और जो बच्चा दिल से चाहता है ना सर, हमने ऐसे बच्चे देखे जो दिन रात बराबर कर देते हैं, सिलेक्शन हो या ना हो दिन रात बराबर कर देते हैं, क्योंकि उनका प्यार है भाई और वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, जाते वो आपने स्ट्रगल सीख लिया ना, स्ट्रगल सीख लिया। तो ये टाइम मैनेजमेंट वाला सवाल तो बेटा हमसे मत पूछो, स्लीपिंग स्लीप टाइमिंग और ये सब ना बच्चों वाली हरकत है। अब आप ड्रॉपर्स हो, ड्रॉपर्स, आपने 18 साल अप्रोक्सीमेटली अपनी जिंदगी जी ली है, आपको पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, करते समय आपके अंदर रियलाइजेशन भी होती है कि यार मैं अपना समय खराब कर रहा हूं, फिर भी आप कर रहे हो, तो ये चीज मैं यहां से बोल के नहीं सुधार सकता, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि यार आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो आपके जुनून से निकलेगा। और आज आपने मोटिवेट कर भी दिया, ये 10 दिन रहेगा ज्यादा, 10 से 3 दिन, आधे घंटे में ठुस हो जाएंगे, टाइम हो गया, लेक्चर छोड़ो, टाइम अप ठीक है। विमल अग्रवाल बेटा आपकी जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ होगी, लेकिन आप इस पे परेशान मत होइए, मैंने भी देख लिया, मैंने भी पढ़ लिया है इनको, मतलब जबरदस्ती भाई हम डॉक्टर नहीं है ना, डॉक्टर तो अगर तू यहाँ पे लिख रहा है कंसल्ट डॉक्टर, वो तेरे को अच्छी राय दे पाएगा, हमसे क्या पूछ रहा है भाई, ठीक है सीधी सी बात, ओके ये और क्या, डॉक्टर से जाइए बात करिए अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है इट्स ओके, मतलब इसको एज ए नेगेटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में नहीं जाना, ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है जहां पर हम देखो, हम थोड़ा सा आपको एजुकेशन वाइज गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर मेडिकल आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट डॉक्टर, दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है क्लियर। ओके सर, मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा टाइम नहीं, ना कोई टाइम नहीं सर, आगे पीछे तो चलता रहता है बच्चों को, एक्चुअली में क्या होता है ना सर, एक तो ये भी चीज है जो मैंने फील करी है, जब आप अपने बैच में बोलोगे ना भाई की रोज बोलना पड़ता है, अब क्या होता है ना, जब सेकंड ओपिनियन आता है ना और वो भी सिमिलर आता है, तो बच्चों को लगता है कि हाँ यार ये जो सर कह रहे थे ना वो कहीं ना कहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब वो किसी और टीचर के पास भी जाएंगे वो भी यही बोलेंगे, हमारे देखो अल्फाज भी मैच कर रहे हैं, इसका मतलब जो बातें हम कह रहे हैं बिल्कुल वो रेक्टिफाइड है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और कह रहा हूँ आप कुछ और कह रहे हैं, ये चीज है, वन शॉट पे डिपेंडेंट होना चाहिए। देखो भैया ये 12th का एग्जाम नहीं है, 12th के एग्जाम में आपके मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये कंपटीशन एग्जामिनेशन है, जो ज्यादा तेज पहले दौड़ा है, जो सिंसियर तरीके से दौड़ेगा वो आगे निकलेगा। वन शॉट अगर आप बोर्ड से पहले कर रहे हो, आपको सपोज तुम्हें 100 में से 80 नंबर लाने की काबिलियत है, तो 80 नंबर ले आया तो तेरे 80 तेरे अपने हो गए, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर तू धीरे दौड़ेगा तो दूसरा आगे निकल जाएगा और तेरी रैंक पीछे आएगी, और तुम वन शॉट को अपने लिए एक अगर एज अ ऑप्शन अभी से गिन रहे हो, जहां अभी ढाई महीने तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही है अभी तो, और सेकंड अटेम्प्ट में 4-5 महीने हो रहे हैं ना, क्यों तुम वन शॉट, हाँ क्यों, मतलब तुम एक वही बात है ना, जब आप चैप्टर को पढ़ते हो हम 10 लेक्चर बेवकूफ हैं कि लगा रहे हैं, एक्जेक्टली हम डिटेल में बात कर रहे हैं, थॉट देखो यार कोई भी चीज होती है ना, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो एक थॉट बिल्डिंग प्रोसेस होता है, टाइम लगता है आपको उस चीज से इंक्लाइन होना, यही चैप्टर आपने यूट्यूब पर जब शूट किया होगा तो आई थिंक 8 घंटे में खत्म कर दिया होगा, और यही चैप्टर अभी हमारी कैलकुलेशन चल रही थी 18 घंटे 18 घंटे 36 हो गए 36 घंटे हो गए, तो 36 घंटे 8 घंटे भाई देख कराने के लिए तू कहेगा ना, तो 1 घंटे में भी सर तो माइंड मैप सीरीज मैप करा रहे हो सर, 1.5 घंटा हर चीज की ना एक अलग तरीका है, वन शॉट का भी एक बेनिफिट है, वो कब है, जब आपने बेसिक अपने चैप्टर कंप्लीट करे हो, कर अब आप रिवाइज करोगे तो आपको लग रहे हैं 12 घंटे, बिल्कुल हम उसको करा रहे हैं 6 घंटे में, तो आपको थोड़ी मेहनत, और हम लोग एनालिसिस के साथ जाते हैं यार ये क्वेश्चन कराने जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तब बेनिफिट होता है, अगर आप सिलेबस ही पढ़ना वन शॉट से चाहते हो तो वो भाई नुकसान है, सीधी सी बात, बिल्कुल ठीक है ओके। चलिए सर, एक बच्चा कह रहा है लाल चश्मा क्यों है, इसके पीछे की एक दर्द भरी कहानी है, क्या अभी बाद में सुनाएं, सारा दर्द लाल लाल हो गया ठीक है, तो यार पढ़ाई करते रहिएगा ठीक है, सर का भी यही है कि इस बार प्रयास से बहुत सिलेक्शंस होने चाहिए, 1 हो 2 होंगे सर, होंगे और होंगे भी ठीक है, बस पढ़ाई करते रहिएगा यार, देखो कमियां सब में रहती है, हम में भी है आप में भी है, लेकिन कमियों पर काम हम लोग हर दिन सुबह उठ के करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा काम है, आप अपनी कमियों पे ध्यान दो, yes. हम अपनी कमियों पे ध्यान दें, और जहां पर भी आपको दिक्कत आती है आप हमेशा पूछते हैं, हम गाइड भी करते हैं आप सभी लोगों को,
ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप बस आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए चलिए आप स्टार्ट कीजिए, मिलते हैं, मैं आता रहूंगा, मिलते रहेंगे, ठीक है सर। अगली बार आपको प्रयास बन पॉइंट ऑन, हां बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप कल कल हैं यहां पर? आप कल शायद मैं ना रहूं, अगली बार आओगे तो हम वन अगले वीक शायद फिर आना होगा ना, अगले वीक दिवाली, अच्छा दिवाली वाला पार्टी, दिवाली वाला पार्टी जो आना होगा, ठीक है ठीक है, चलिए चलो सर, ओके सर, ओके अच्छा उधर, ठीक है सर, माइक छोड़ जा, पैसे काट लेंगे। अरे